Hi, so now let's discuss about the NTA exam, NTA upcoming exam. So let's first discuss about कि अभी जो नोटिफिकेशन आई है NTA की तरफ से उसमें क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं. सो द फर्स्ट चेंज इज़ कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, जो आपका एग्ज़ाम पेपर वन एंड पेपर टू के बीच में जो ड्यूरेशन हमें मिलती थी, अब वो ड्यूरेशन नहीं होगी. कंप्लीट पेपर 3 आवर्स के अंदर कंडक्ट होगा एंड उसके अंदर आपको पेपर वन एंड पेपर टू दोनों कंबाइन उसके अंदर होंगे. राइट, नाउ देर आर मेजर चेंजेस इन द सिलेबस ऑल्सो, क्योंकि जो एग्ज़ाम हमारा जून 2018 के अंदर कंडक्ट हुआ था वो ओल्ड सिलेबस के ऊपर बेस्ड था. राइट, अब उस ओल्ड पेपर में ओल्ड जो सिलेबस हमारे पास वो गिवन था उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हमने फेस की थी स्टूडेंट्स ने, कि जो ओल्ड सिलेबस था वो बेस्ड था सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो हमारा पेपर होता था NTA के उसके ऊपर. राइट, नाउ ये जो ओल्ड सिलेबस था दिस इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड सिलेबस. लाइक वी हैव 10 यूनिट्स इन द पेपर वन and we do have in paper 2 we have 10 units, in paper 3 also we have 10 units, but they are very unorganized. Like agar jaise ki software engineering hai, software engineering mein if you have 10 units, right, if you have 10 units then in the paper 2 they distributed in a topic wise, right, like models, software models. Second thing is like testing and coding, and paper 3 के अंदर उन्होंने कोकोमो मॉडल को इस तरह से डाल दिया. राइट, सो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द NTA नेट कि हमें कितना पढ़ना है और कितना हमें उसे छोड़ के जाना है. राइट, सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो एक तो सबसे पहले जो इस जो चेंज आया है सिलेबस के अंदर उसका सबसे अच्छा जो मेरिट है, जो एडवांटेज है, वो सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका ऑर्गेनाइज्ड हो गया है. राइट, नाउ ऑर्गेनाइज्ड कैसे किया है उन्होंने और क्या क्या एग्ज़ाम के पैटर्न, क्या क्या आपके पेपर के अंदर क्या क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस पूरे सेशन के अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट वन. सो In the new syllabus, as you know that earlier 3 paper is conducted by UGC NET, paper 1, paper 2 and paper 3, right? But जो अब exam हुआ था June 2018 के अंदर उसमें क्या हुआ था कि पेपर टू एंड पेपर थ्री को क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था. राइट, सो टोटल 100 क्वेश्चंस आ गए, बट जो जून 2018 का जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो पेपर बेस्ड था ओल्ड सिलेबस के ऊपर, बट जो क्वेश्चंस आए थे वो इसी जो उन्होंने अपडेट करके दिया वो इसी पे बेस्ड थे. राइट, नाउ इन पेपर जो अभी दिसंबर 2018 के अंदर जो पेपर हुआ है, इन दैट ऑल्सो ये ऑफलाइन था और ये उन्होंने अब क्या किया NTA ने, पहले ये UGC नेट के पास था, अब ये NTA नेट के पास है और अब ये पेपर हो गया ऑनलाइन. राइट, नाउ ऑनलाइन होने के बाद इन्होंने पेपर टू और पेपर थ्री को तो मर्ज कर दिया, यहाँ पर पेपर सिर्फ एक पेपर टू आया, बट वो भी बेस्ड था ओल्ड सिलेबस के ऊपर. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी कि हमें किस कौन सी यूनिट्स हमने छोड़नी है, कौन सी यूनिट्स से हमें प्रिपेयर करना है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि कितना प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, GRF क्लियर करने के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा और NTA और नेट करने के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा. राइट, अभी अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी गेट का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए भी एडवांटेज है हो सकती है, और जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करें उनके लिए भी एडवांटेज है, क्योंकि जो हमारा नया सिलेबस अपडेट होकर आया है
सो उसके अंदर यू हैव क्लियर इमेज कि हमें कितना करना है और कितना हम लीव कर सकते हैं, राइट. सो स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट वन. द यूनिट वन इज एज पर द न्यू सिलेबस, द यूनिट वन इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन. Right. First is discrete structures. So in the discrete structures, जो भी हमने गेट के जो भी एस्पिरेंट्स होंगे गेट के, जो भी सिलेबस हमने गेट में पढ़ा या फिर NTA के नेट जो भी सिलेबस ओल्ड पेपर में था पॉइंट्स थे, वो सब इसके अंदर भी ऐड है. प्लस ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन में है लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग इन्होंने क्या करा कि एक यूनिट बनाई, उसमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर प्लस ऑप्टिमाइजेशन इन्हें कंबाइन कर दिया, राइट. सो ऐसे ऐसे वी हैव 10 यूनिट्स, राइट. एंड 10 यूनिट्स में से यू कैन थिंक लाइक कि 10 मार्क्स फॉर ईच यूनिट. हाउ मेनी, सो टोटल इज 10 यूनिट्स, 10 मार्क्स फॉर ईच. सो देर इज 100 मार्क्स कंप्लीट पेपर. Right, so this is how they distributed the, you know, marks, right. So first unit is discrete structure and optimization. अब इसमें क्या है कि discrete structures में तो पूरा का पूरा syllabus इन्होंने old वाला ही इन्होंने cut copy paste किया है, nothing is new. Optimization के अंदर भी there is nothing जो कि इन्होंने कुछ नया add करा हो, सब पुराना ही है, बस इन्होंने दो units को एक साथ merge कर दिया है. पहले जब ये सिलेबस में अलग अलग थे, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर इज अलग एंड ऑप्टिमाइजेशन एक अलग पार्ट में था, तो प्रॉब्लम इज कि वी डोंट हैव एनी आइडिया कि LPP में से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, राइट, और कितना आएगा, राइट. सो अब वी हैव क्लियर इमेज कि डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर के अंदर एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बट इसके अंदर से रैंडम क्वेश्चन हो सकते हैं कि लेट्स सपोज इसमें से अगर 5 क्वेश्चन आए हैं या इसके अंदर से भी ऑल्सो 5 क्वेश्चन आए हैं, लाइक दिस, राइट. नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज, सो दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट. नाउ द सेकेंड यूनिट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. अर्लियर वी हैव 3 different subjects like computer architecture and organization, second one is digital electronics, and the third one is microprocessor, right. So jo old syllabus tha iske inke ek alag topics the. Digital electronics mein se alag question aate the, microprocessors mein ek alag question aate the. To new syllabus mein jo update hua hai usme kya karna hai hame, this is a second unit computer architecture and organization, and ye jo teen us alag alag aapke subjects hain they merged into in one unit, right. So this is also one advantage ki we have now clear image ki hame kao mein se kitna padhna hai. Digital electronics and microprocessor mein se hame 10 questions to hame exam mein milenge hi milenge, right. This is about the second unit. Now let's talk about the unit 3, programming language and computer graphics. So programming languages and computer graphics. So programming languages in earlier syllabus, jo bhi hamara old syllabus tha uske andar C, C++, Java, HTML, XML, everything is there, right. तो इसके अंदर भी वो सारी लैंग्वेजेस हैं, बट एडिशनली इन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स को भी साथ में ऐड ऑन कर दिया है, राइट. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो भी टॉपिक्स हैं, नथिंग इज न्यू, जो पुराने ही टॉपिक्स हैं वो सब के सब इन्होंने इसके अंदर मर्ज कर दिया. तो यूनिट नंबर 3 इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्लस कंप्यूटर ग्राफिक्स. Next unit is Database Management System, DBMS.
this is in unit number 4, and in the DBMS they have added one additional is advance. So in advance we have to study big data systems, and NoSQL. So these two important things they have added in the DBMS, and this time also they have asked one question from this part, big data systems, right? So DBMS mein jo purana syllabus tha, same syllabus hai DBMS ka, but few things are added. First thing is big data systems, and the second thing is NoSQL. Okay, so these two things you have to study, right? So these are unit number 1, unit number 2, unit number 3, and unit number 4. Any question regarding this? If you have any doubt, you can ask regarding this. Discrete structures, optimizations, unit 2, computer architecture and organizations. Optimization, ek linear programming, alag se ek subject tha, right? So, inhone kya kiya, isme merge kar diya, is first unit ke andar. SQL is there, right? As we already studied in, you know, in previous old syllabus, SQL is there, but some new things are also added, like NoSQL and like big data systems. Advantages, iske andar ek hi cheez ho sakte hai ki advantage to hume yehi hai ki we have a clear image. कि अगर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जी आर एफ राइट इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जी आर एफ देन वी हैव सम आइडिया कि अगर 10 यूनिट्स हैं तो हम एटलीस्ट 8 यूनिट्स हम अच्छे से करके जाएं सो दैट जो जी आर एफ की कट ऑफ है वो इजली क्लियर हो जाए राइट तो उसके अंदर हमें वी हैव क्लियर इमेज कि अगर डी बी एम एस है अगर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर करके जा रहे हैं तो हमें ऑप्टिमाइजेशन अगर हम उसके साथ कंबाइन करें तो 10 मार्क्स इज यू नो फॉर श्योर वी गेट Unit 5 is system softwares and operating system, right? Operating system, we know the topics like process management, threads, CPU scheduling, deadlocks, memory management, storage management, everything is same, but they have added one thing in the unit 5 is system software. Unit 5, system software and operating system. Now in the system software, they have added few things like debuggers, machine assembly languages, right? And loading, linking, relocations. ये सारे जो points हैं ये compiler में already present थे but now we are going to study in the system software, right? I think system software is clear now. कि we have added system software and operating system. We combined it in the unit number 5, right? Earlier क्या problem थी कि system software के जो topics हैं जैसे linking है या फिर loader है या फिर कुछ और relocations हैं, right? So all these we studied in the compilers, but they didn't mention about it. But questions comes again and again in the previous exams, right? So they have clearly mentioned कि ये topics हैं and you have to cover it in the system software only, right? So this is all about the unit 1, 2, 3, 4 and 5. Group से कैसे questions आएंगे? Okay, we will discuss about it. I think everyone is clear about all the unit 1, 2, 3, 4, 5. Now the next unit is unit 6. Software engineering.
software in the software engineering in earlier syllabus paper 2 and paper 3 ke andar kuch topics distributed the right jaise ki agar life cycle models ki baat kare to wo paper 2 mein tha kokomo model hai wo paper 3 ke andar tha to they combined all the topics in the unit number 6 okay so now there is no such confusion ki kaun sa topic paper kaun sa topic hame karna hai kaun sa topic hame nahi karna right now the next one is unit number 7 data structures and algorithms so in data structures everything is same but in algorithm they have added two more topics the topic name is selected topics and the next one is advanced algorithms okay so these two topics they have added in the unit number 7 which is data structure and algorithms so everything is same in the data structures but two more things they have added in the algorithms the first one is selected topics to aapko ye bhi karna padega additionally selected topics and the second one is advanced algorithms right now the next unit is unit number 8 TOC and compiler so earlier they have asked 5 questions from the TOC and almost 5 questions from the compilers now they merged it in the unit number 8 and I think a few things they have added in the TOC like diagonal argument and paradox and all right so you have to study additionally in unit number 8 unit number 8 is TOC plus compiler compiler mein unhone two or three things they have added and compiler is same like all the intermediate code generations code generation and code optimization everything is same in the compiler now the unit number 9 unit number 9 is computer networking computer networks in the computer networks everything is same like the old syllabus but they have added few things in the computer network unit right so earlier we studied about the current trends right there is something mentioned in the old syllabus is current trends but there are a lot of things we they mentioned in the current trends like data warehouse data mining or e-commerce like so all these things are present but now they have clearly mentioned ki current trends mein hame kitna padhna hai so that's the very you can say that ye sabse zyada achhi advantage hai jo paper hamara change syllabus hamara jo change hua hai that we know that ki current trends mein hame kya padhna aur kya hame nahi padhna right current trends mein inhone likha hai ki data warehouse data mining right so all these things we have to cover it right but in the computer networking they have added mobile technology earlier mobile technology ka ek alag se hi chapter tha but now they merged in the computer networks right and one more thing they have added this is old mobile technology old syllabus mein bhi tha and they just merged it in the computer network part but they have added one more topic and the name is cloud computing so this is a new unit or you can say new topic you have to cover it in the unit number 9 right yes it is confirmed that because they have clearly mentioned that you, we have 10 units right if we have 10 units they have 10 questions from each part but and there is no such surety about ki agar unit 8 agar unit 8 hai to usme se 10 marks ke questions agar aayenge to this is not sure ki toc mein se 5 aayenge ya fir
कंपाइलर्स में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे लाइक दिस राइट. इसमें जंबल हो सकता है बट या दिस इज श्योर कि हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे राइट. सो लाइकवाइज वी हैव क्लियर इमेज कि ओके इफ वी वॉन्ट कि अगर हम 70% का टारगेट कर रहे हैं तो 7 यूनिट्स में हमें अच्छे से प्रिपेयर करनी है राइट. तो उसमें ये क्या कर रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को अगर इन्होंने कंबाइन किया तो इसमें से 10 क्वेश्चंस फॉर श्योर बट डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में से कितने क्वेश्चंस आएंगे दिस इज नॉट वी कैन नॉट से अबाउट दिस राइट नाउ. सो इन यूनिट नंबर 9 क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ न्यू पार्ट वी हैव टू कवर इट ओके. एंड द लास्ट यूनिट इज यूनिट 10 इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दिस इज इम्पॉर्टेंट दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो भी अर्लियर एग्जाम्स हुए थे तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन होते थे वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एक क्वेश्चन आ गया 2 क्वेश्चन आ गए 3 क्वेश्चन आ गए बट श्योरिटी नहीं होती थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. बट नाउ वी हैव श्योरिटी कि 10 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें हैं. बेसिकली इट्स अ सॉफ्ट कंप्यूटिंग. उसके अंदर आपको न्यूरल नेटवर्क भी पढ़ना पड़ेगा फजी लॉजिक भी पढ़ना पड़ेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसके अंदर ही कवर्ड होगा. सो दीज थ्री थिंग्स वी हैव टू एट स्टडी इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट राइट. एनी क्वेश्चन. ओके यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. सो दिस इज ऑल अबाउट द अपडेटेड सिलेबस एंड इन द अपकमिंग नेट NTA नेट एग्जाम विच इज़ कंडक्टेड इन जून 2019. सो एज यू नो दैट देर इज़ अ मेजर चेंज कि जो पेपर 2 और पेपर 1 होगा वो एक साथ ही होगा 3 आवर्स में राइट. एंड ऑल दीज आर द अपडेशंस. क्या क्या सिलेबस में अपडेशन आई है. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि नए ऐड हुए हैं राइट. यस प्रोलॉग इसी के अंदर आ जाएगा. न्यूरल नेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इसे पढ़ रहे होंगे तो उसमें न्यूरल नेटवर्क फजी लॉजिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसमें प्रोलॉग भी इसके अंदर ऐड ऑन होगा राइट. सो एवरीथिंग इज मैंशनड क्लियरली इन द सिलेबस राइट. Any questions? Yes, there is no gap between paper 1 and paper 2. They have notice they have mentioned there is no gap. Complete paper 3 hours right. They have conducted 3 hours paper and this we have paper 1 and paper 2 combined right. So 50 questions in paper 1 and 100 questions in paper 2. So total 150 questions you have to solve in 3 hours. Yes, we will take the classes, all the updated topics they have mentioned in the syllabus, we will take it. Okay, so let's start. You can start with paper 1 or paper 2. Paper 1 basically it's more like because in paper 1 also they have added a few things like aptitude, general aptitude right, and few things they have added. So you can start from the paper 1 and paper 2 I think side by side because paper 1 is more like aptitude wise because general awareness is also part of the paper 1. So if you are daily in touch with paper 1, so that will be good. Okay, about the exam. Okay, so paper 1 basically if you have 150 questions and you have to do in the 3 hours, then obviously there is a there is a slight shortage of time. So now it's up to you, either you start from paper 1 or
Will you start from paper 2? It's just up to you. Okay, schedule ma'am, when you will take classes. Okay, I will tell you about this later. We will update you. Any more questions regarding the updated syllabus? Yes, of course, DG Mento covering all the updated syllabus. Like we will cover cloud computing and artificial intelligence, all the topics, minor topics, those are added, like selected topics, advanced algorithms, we will cover everything. And so the best strategy is ki sabse pehle jo artificial intelligence jo bhi topics hamare add hue, so we will discuss all the topics one by one, and then we will discuss the whole syllabus. Ma'am, how can we? Okay, you just visit our website, DG Mento. Yes, from Monday we are going to start the live classes for the new topics they have added. Yes, recording is available. Yes. Or if you want to know what time we take the live classes, so just call on this number 98218 26104. All the numbers are already available on the website DG Mento, so you just check it. Yes, all the updated course will provide to you, so just don't worry about this. If you have any query, so just call on this number. I'm writing here. This is the number. Yes, paper 1 is included in this package. Everything, paper 1 mein bhi jo changes aaye, jo updation aaye hai, everything is, you know, updated and is provided in the package. Any more questions regarding syllabus change or new pattern? Any question you can ask. For package you can call on this number 98218 26104. They will provide you everything. I will teach you all the syllabus regarding NTNet, artificial intelligence. Then we will study cloud computing, mobile technology, likewise. You have to enroll for it. We also taking the live classes and yes, in the paper 1 also all the updated syllabus will be available to you, and in the paper 2 also all the updated syllabus like cloud computing and advanced algorithm, everything is available. Thank you, Lakshi. Thank you everyone. So I'm just ending this session right now, okay? Thank you everyone.
हो गया क्या? हो गया क्या? इससे वायद कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। कोशिश दे दो, इतना गंदा सर, एक मुझे दिख नहीं रहा, मैं आपको दिख भी नहीं रहा था एक्चुअली में, इतना गंदा।